आप सभी का एक और एपिसोड में मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, कई मस्जिदों के विवाद आपके सामने आए, पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा और इस वक्त गरमाया हुआ है बदायूं। जिला बदायूं में मौलवी टोले में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, इसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 1213 में दिल्ली सल्तनत के शासक अल्तुतमिश ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मस्जिद 800 साल पुरानी है और देश की तीसरी सबसे पुरानी मस्जिद है और देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। 25,000 से ज्यादा नमाजी एक टाइम में इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद के 3 दरवाजे हैं। पहले तो सभी दर्शकों को और सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका अपना हकीकत इंडियन टीवी मोनेटाइज हो गया है, तो सबको दिली मुबारकबाद। खबर है बदायूं से, जब भी आप बदायूं जाएं तो जामा मस्जिद ज़रूर देखें, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन इसको किसी की नज़र लग गई है। हिंदू महासभा का ये कहना है कि ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और उन्होंने इसके ऊपर एक याचिका डाली है। उधर बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ये कहना है कि ये बौद्ध किला है, ये मस्जिद नहीं है, ये बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए है। इसकी कल सुनवाई थी, लेकिन क्योंकि बार एसोसिएशन की यानी कि वकीलों की हड़ताल थी तो कल यानी 12 तारीख को कोई सुनवाई नहीं हो सकी। आने वाली 18 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। इस पर हिंदू महासभा ने अपना दावा किया है और बौद्ध धर्म वालों ने अपना दावा किया। उनका कहना है ये बौद्ध किला है और हिंदू महासभा कहना है कि ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जबकि वहाँ सदियों से नमाज पढ़ी जा रही है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये पहला विवाद नहीं है, इस तरह के बहुत सारे विवाद नए नए निकल के सामने आ रहे हैं। 2024 तक जाने कितने मदरसे और मस्जिदों पर इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे और इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि 2024 की तैयारी हो। उधर जिला प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत में ये याचिका दायर की है, इस मामले को खारिज कर दिया जाए, इस पर सुनवाई ना की जाए। अब देखना यह कि 18 तारीख को क्या होता है। इस वीडियो को भी दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बहुत बहुत शुक्रिया।